टुडे वर्किंग ऑफ हर्ट। आज हम लोग देखेंगे हर्ट कैसे काम करता है। आज के क्लास में ये समझने की कोशिश करेंगे हाउ आवर हर्ट फंक्शन, हमारा हर्ट फंक्शन कैसे करता है। देखो, पिछले क्लास में बताया था आपको स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हर्ट, और ये भी बताया था कि हर्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ब्लड पंप करना, बताया था। आज के क्लास में देखेंगे हाउ हर्ट इज गोइंग टू पंप द ब्लड। पूरे स्थिर मन से इसको पढ़िए, अच्छे से बात समझ में आ जाएगा। लेट्स बिगिन विद दिस, यहां से शुरू करते हैं। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हर्ट ऑन द लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम। देखिए, यहां देखिए, दिस इज द लंग। सपोज ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड यही होता है, यानी अगर यहां से ब्लड बाहर आ रहा है तो दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो लंग से बाहर आ रहा है। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब आफ्टर ऑक्सीजनेशन, लंग्स के पास ही एल्वियोलस में ऑक्सीजनेशन होता है। And this oxygenated blood through pulmonary vein comes to this left atrium. ये left atrium को आएगा, ठीक है? देखिए, हुआ क्या है? Oxygenated blood है ये, ठीक है? Pulmonary vein के जरिए it is reaching to the left atrium, ठीक है? यहाँ देखिए, लेफ्ट एट्रियम में क्या देखोगे कि द लेफ्ट एट्रियम ये रिसीव कैसे करेगा? लेफ्ट एट्रियम रिलैक्सेस, लेफ्ट एट्रियम में मूवमेंट होगा, इट रिलैक्सेस, ठीक है? ये थोड़ा रिलैक्स होगा व्हेन इट इज कलेक्टिंग दिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ओके? देन आफ्टर व्हाट विल हैपन, दिस लेफ्ट एट्रियम goes under contraction. अब इसमें contraction होगा, relax हुआ, blood receive किया, now it goes under contraction. When it contract, या कह सकते हैं after receiving oxygenated blood, left atrium contract. ये left atrium contract करेगा while the next chamber, ये जो अगला वाला chamber है, this is the left ventricle, ये रिलैक्स करेगा, सो दैट दिस लेफ्ट वेंट्रिकल विल रिसीव ब्लड फ्रॉम दिस लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू दिस वाल्व। इस वाल्व को क्या बोलते हैं? बाई ओर, है ना? इट इज बाइकस्पिड वाल्व। तो बाइकस्पिड वाल्व के जरिए ब्लड लेफ्ट एट्रियम तक पहुंच गया। अब आगे क्या होगा? आगे अब क्या होगा? अब आगे ये होगा, अगले स्टेप में ये होना है, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, दिस लेफ्ट वेंट्रिकल, ओके, कॉन्ट्रैक्ट। अब इस लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कैसे होगा? व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स टर्न, द ब्लड इज पंप्ड इनटू द बॉडी। जब लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो यहां से ब्लड निकल के पूरे बॉडी पार्ट में जाएगा। कैसे जाएगा? थ्रू एओर्टा, एओर्टा के जरिए पूरे बॉडी में जाएगा। एट्रियल ब्लड जो होता है, हेड और आर्म्स को भी जाएगा अपर पार्ट में। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड एओर्टा के जरिए आएगा। तो व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब उस वक्त होना यह है, सी दिस, इन इट्स टर्न द ब्लड इज पंप्ड आउट टू द बॉडी, ठीक है? तो ये बॉडी से बाहर ये चला गया। नाउ सी हाउ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज कमिंग टुवर्ड्स द हार्ट। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे हमारे हर्ट तक पहुंचता है, उसमें ध्यान देना है।
राइट एट्रियम इज हियर, इट इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड, राइट एट्रियम इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करेगा, कैसे करेगा? देखिए, जब रिसीव करना होगा, इन दैट वेरी केस दिस राइट एट्रियम गोज अंडर डायस्टोल और यू कैन से इट रिलैक्स। ठीक है, नाउ ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट, देखिए बॉडी पार्ट में अगर देखा जाए तो अपर बॉडी पार्ट भी है, हेड के ऊपर वाला हिस्सा, हेड के नीचे वाला हिस्सा। ठीक है, सो राइट एट्रियम इज रिसीविंग ब्लड, ओके, वेनस ब्लड, वेन में जो ब्लड है, फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट थ्रू सुपीरियर वेना कैवा। ये सुपीरियर वेना कैवा के जरिए बॉडी के ऊपर वाले हिस्से से, अपर पार्ट से डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम को आएगा। ठीक है, लोअर वाले हिस्से से इन्फीरियर वेना कैवा है, दैट इज ट्रांसफरिंग ब्लड फ्रॉम द लोअर बॉडी पार्ट टू द एट्रियम। तो ये इन्फीरियर वेना कैवा है जो ऐसा करता है, राइट, इन्फीरियर वेना कैवा। तो राइट एट्रियम इज रिसीविंग, ओवरऑल यू कैन से राइट एट्रियम, दिस वन इज रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू वेना कैवा। ठीक है, एंड दिस वेना कैवा, अपर पार्ट वाले वेना कैवा को सुपीरियर कहना है, लोअर वाले को इंफीरियर कहना है, बट इट इज वेना कैवा, राइट। अब देखो फ्रॉम राइट एट्रियम क्या होगा, दिस राइट एट्रियम आफ्टर रिसीविंग डीऑक्सीनेटेड ब्लड गोज अंडर सिस्टोल, और ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देन ब्लड विल पुश टू द राइट वेंट्रिकल, ब्लड जो है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम पे ध्यान देना है, ये डायग्राम पे आप ध्यान दो, राइट वेंट्रिकल इज हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस वन राइट वेंट्रिकल आफ्टर रिसीविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा इट पुशेस द ब्लड towards the lungs through this pulmonary artery. इस pulmonary artery के जरिए जो right ventricle में मौजूद deoxygenated blood है वो lungs की ओर जाएगा, so that lungs में इनका oxygenation हो सके. In this way, blood is circulating inside our body. हमारे शरीर में इस तरह से इसका movement हो रहा है, ध्यान से देखना। तो ब्लड का ट्रांसफर हो गया है राइट वेंट्रिकल से कहां, लंग्स में, किस लिए जाएगा, फॉर ऑक्सीजनेशन, राइट। तो ये समझ में आ गया। अब यहां पर एक दो चीज और समझ लीजिए, वेंट्रिकल जो भी है, वेदर इट इज राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, दोनों में वेंट्रिकल की बात करेंगे, वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड। वेंट्रिकल का काम क्या, ब्लड पंप करना। अब राइट वेंट्रिकल है तो इट इज पंपिंग ब्लड, ये देखो ये ब्लड को पंप कर रहा है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए लंग्स में। लेफ्ट वेंट्रियम है तो लेफ्ट वेंट्रिकल क्या कर रहा है, इट इज पुशिंग द ब्लड और पंपिंग द ब्लड इन द एंटायर बॉडी थ्रू एओर्टा। ठीक है, ये तो उसका काम है। तो सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, they have thicker muscular wall than the atria. ये पहले ही बताया था कि ventricle का जो wall होगा वो atria से ज़्यादा thicker होगा because they have to pump the blood. एक चीज़ और बताया था, यहाँ जो valve है V1 V2 हम कह दें, this is the tricuspid and this one is the bicuspid, पहले बताया है, या यहाँ देखें इन जगहों पे जो semilunar valve होता है ये भी पहले बताया है। तो वाल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। अगर मान लो कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना ही है इसको पंप करने के लिए,
तो अगर मान लिया जाए कि दिस वाल्व इज बाई डायरेक्शनल, सपोज ये वाला जो वाल्व है बाई डायरेक्शनल है, तो ब्लड तो वापस चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। तो वाल्व इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो, माइंड इट, डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द एट्रिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट? ठीक है, अब आगे देखें। Now see, oxygen enter the blood in the lungs. अब देखिए blood यहाँ कैसा है, ये जो नीला वाला देख रहे हो ये deoxygenated है, this is deoxygenated, ठीक है। अब क्या होगा, oxygen है, ठीक है, चारों blood capillary ही होता है, पता है आपको। oxygen enters the blood in the lungs. The separation of the right side and the left side of heart is useful. देखिए इसने जो structure आपने पढ़ा था उसमें देखो मैंने कहा था कि मान लो कि this one is the, suppose this one is the, ये मान लो heart के ये chambers होते हैं चार, ठीक है, बन गए चार chambers। तो बीच में जो partition है this one is, वो इसलिए है कि right side of heart remains separated from left side of heart, so that right side of heart is having deoxygenated blood. Heart के right side में जो blood है वो deoxygenated है, left side में जो है that is oxygenated, ठीक है, left side में क्या है oxygenated, ठीक है। ये जो बीच में partition होता है इसका function है, it actually prevent the mixing of oxygenated and deoxygenated blood. ठीक है, वो दोनों mix होने से रोकता है, mix नहीं होना चाहिए, है ना। अगर वो mix हो गया तो फिर दिक्कत ये है कि जितना efficient supply होना चाहिए oxygen का cell तक वो नहीं हो पाएगा। So separation is required there for highly efficient supply of oxygen to the body, ताकि बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके और एनर्जी नीड को पूरा कर सके, दिमाग में रखिएगा। सो देयर शुड नॉट बी मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सच सेपरेशन अलाउ अ हाईली इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, हाईली इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन से दिस, आई एम जस्ट गोइंग टू हाईलाइट इट, ये हाईलाइट हो गया, आप इसको देखो, है ना। तो सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड, तो ये एकदम जरूरी से दिमाग में रखना है। कभी कभी टेंथ में क्वेश्चन आता है व्हाई देयर शुड बी सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपको कहना है यही, इट इज रिक्वायर्ड टू इंश्योर इफिशियंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, तो ऐसे इसको बोलना है। क्योंकि देखिए ऑर्गेनिज्म, जैसे मान लो कि मैमल्स हो गए, ठीक है, मैमल्स आप समझते हैं, हम लोग भी मैमल्स में ही आते हैं, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, ठीक है, इनके एनर्जी रिक्वायरमेंट बड़े हाई होते हैं, हमारे एनर्जी रिक्वायरमेंट बड़े हाई होते हैं, एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में चला जाता है। सो दिस इज यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स सच एज बर्ड्स एंड मैमल्स व्हिच कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और अगर नीड ये है, हाई टेम्परेचर के लिए नीड चाहिए, और हमारे पास ये व्यवस्था नहीं हो, अरेंजमेंट नहीं हो, और मिक्सिंग होता रहे, तो फिर एनर्जी नीड पूरा नहीं हो पाएगा। सो फॉर दैट वेरी रीजन देयर मस्ट बी सेपरेशन बिटवीन ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझ गया पूरी बात। आगे देखो, अब आगे देखिए, देखो in animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment.
देखो आपने फ्रॉग को देखा होगा, है ना। फ्रॉग फ्रॉग का जो बॉडी टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं होता, फ्रॉग का बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो इन एनिमल्स दैट डू नॉट यूज एनर्जी फॉर दिस पर्पस, अब फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग जो है बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एनर्जी यूज नहीं करता, ठीक है। तो उनका बॉडी टेम्परेचर जो है डिपेंड करेगा इन्वायरमेंट के टेम्परेचर, यानी आप समझिए हम कह रहे हैं कि वैसे एनिमल्स जो इस एनर्जी का इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए नहीं करता, उनका बॉडी टेम्परेचर कभी स्थिर रहेगा ही नहीं, क्योंकि उनका बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करेगा ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरमेंट, जैसे फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग हो गया या कई रेप्टाइल्स हो गए जिसमें आपको तीन चैम्बर वाला हर्ट मिलता है एंड दे कैन टॉलरेट। अब देखिए थ्री चैम्बर हर्ट में क्या होता है, दो ऑरिकल है, एक नीचे सिंगल वेंट्रिकल है, ठीक है। उस केस में मिक्सिंग ऑफ ब्लड दैट ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर वहाँ मिक्स हो रहा है, लेकिन उससे उसका काम चल जाता है क्योंकि उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट हाई नहीं है। अब देखिए फ्रॉग क्या करता है, फ्रॉग को आप देखिएगा कि जब ठंडा बहुत ज़्यादा आ जाएगा, बॉडी टेम्परेचर इसका लो होना शुरू हो जाता है, देन दे गोज अंडर विंटर स्लीप, जिसको हाइबरनेशन बोलते हैं, हाइबरनेशन में चला जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका बॉडी जो है का टेम्परेचर लो होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद अगर आपका गर्मी में देखो सेम प्रॉब्लम, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर ये कॉन्स्टेंट नहीं रह पाता, तो गर्मी के दिनों में आप देखोगे तो इसमें समर स्लिप होता है, एस्टिवेशन होता है, क्योंकि होता यही है कि दे आर नॉट गोइंग टू यूज एनर्जी, मेटाबॉलिक एनर्जी का इस्तेमाल ही नहीं करता टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। तो उस हालत में क्या होगा, इनका जो थोड़ा बहुत मिक्सिंग हो रहा है ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, दे कैन टॉलरेट, ठीक है। फिश में देखिए, फिश में तो होता है सिर्फ दो चैम्बर का, एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा, ओनली टू चैम्बर्स टू द हार्ट एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स इज ऑक्सीजनेटेड एंड पासेस डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, सो दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेस थ्रू द बॉडी। देखो हमारे बॉडी में क्या है, हार्ट को हार्ट में देखिएगा कि ब्लड दो बार आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड वाला भी आ रहा है और ऑक्सीजनेटेड वाला भी आ रहा है। मछलियों में ऐसा नहीं होता, मछलियों में क्या है कि एक ऑरिकल एक वर्टिकल है ना। मछली में देखा जाए तो एक ऊपर का चैम्बर हो गया ये ऑरिकल और एक नीचे का चैम्बर हो जाएगा ये वेंट्रिकल हो गया, मजा ही रहता है। तो ऑन द अदर हैंड फिश हैव ओनली टू चैम्बर्स टू देयर हार्ट एंड द ब्लड इज पंप टू द गिल्स, ब्लड को गिल्स तक ले जाना है एंड वहाँ उसका ऑक्सीजनेशन होगा एंड देन पासेस टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, वही से पूरे शरीर में वो चला जाएगा, यानी वापस वो हर्ट को आता ही नहीं है। सो द ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हर्ट इन द फिश ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ पासेस थ्रू द बॉडी, सो दिस इज डिफरेंट, है ना, ये डिफरेंट है, ह्यूमन से बहुत अलग है, ठीक है। तो यहाँ तक तुमको समझ में आ गया है ना। अब इससे क्वेश्चन इस तरह का भी आता है कि बताओ भाई ये कैसे थ्री चैम्बर्ड हर्ट है टू चैम्बर्ड हर्ट है और वो मेंटेन कर पाते कि नहीं कर पाते हैं, या कैसे वो टॉलरेट करते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम को, क्या उनका रिक्वायरमेंट है, उसका आंसर तो आप दे सकेगा, लेकिन इसे एक नंबर वाले में क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसा पूछा है बताओ रेप्टाइल का हर्ट कितने चैम्बर का, तो आप बता सकोगे थ्री चैम्बर का। आपसे पूछा जा सकता है बताओ फिश का हर्ट कितने चैम्बर का, तो आप बता सकेंगे दो चैम्बर का। तो इस तरीके से आप इसको ध्यान में रखोगे, ठीक है। एक और चीज़ है जो आपको एग्जाम में आता है, दिस इज डबल सर्कुलेशन। व्हाट इज डबल सर्कुलेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये वाला स्कूल एग्जाम में तो टीचर बहुत पूछते हैं, बोर्ड में भी आता है, डबल सर्कुलेशन क्या है, बात को आप समझिएगा अच्छे से, नाम से ही पता लग रहा है डबल। तो डबल कहने का मतलब क्या है, जस्ट आई एम गोइंग टू चेंज द इंक कलर, इसको मैं ऐसा कर लूँ वाइट कर लूँ, ठीक है। यहाँ देखो पहले इस जगह पे पहले देखो, इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट
ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल, माने एक बार रिलकन है सिस्टोल डायस्टोल हुआ तो दैट इज कार्डियक साइकिल। तो आप देखो कि इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड जो है एक कार्डियक साइकिल में दो बार हर्ट से होकर गुजरता है। सो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। अब कार्डियक साइकिल भी आपको पूछ देगा कार्डियक साइकिल क्या हुआ, तो उसमें आप ये बता सकते हो वन कंप्लीट हर्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर ऑफ हर्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स वंस इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। ठीक है, हर्ट बीट कितना होगा 72 टाइम्स पर मिनट। ठीक है, इन वन कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल में कितना पंप हो रहा है 70 ml ऑफ ब्लड हर्ट पंप कर रहा है, और मिनट में देखोगे तो लगभग इतना। ठीक है, इस तरीके से इन वन कार्डियक साइकिल द हर्ट पंप्स आउट 70 ml ब्लड एंड दस अबाउट 4900 ml ब्लड इन ए मिनट। आप ऐसे देख लो ना 72 टाइम्स है, और इसे मल्टीप्लाई करोगे 72 × 70 तो लमसम इतना ही आएगा, इससे थोड़ा ज़्यादा ही आएगा लेकिन राउंड फिगर में इतना है। ठीक है, अब देखिए डबल सर्कुलेशन से फ़ायदा क्या है। डबल सर्कुलेशन इंश्योर कंप्लीट सेग्रीगेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बर्ड्स में और मैमल्स में जिनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कॉन्स्टेंट होता है। दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, तो वी आर वार्म ब्लडेड, हमारा ही बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रहता है, बर्ड्स का भी रहता है। ठीक है, तो वार्म ब्लडेड में ऐसा होता है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अब समझना ये है कि डबल सर्कुलेशन में पाथवे क्या रहेगा वो आपको बताता हूँ। एक मिनट थोड़ा इंक चेंज करूँ। देखिए डबल सर्कुलेशन में दो चीज़ होती है, 10th एनसीईआरटी में नहीं मिलता ये, तो मैं तुमको यहीं पर डिस्कस करता हूँ ना। देखो डबल सर्कुलेशन में दो चीज़ होता है, वन इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये 11th वाले बुक में तुमको मिल जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन, और दूसरा जो होता है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, अब हर्ट में देखो पल्मोनरी में क्या होगा, या पहले सिस्टेमिक में बात करें, अब ध्यान से देखो सिस्टेमिक में क्या होगा, ब्लड का मूवमेंट बॉडी से हर्ट, ठीक है, और हर्ट से वापस बॉडी, ये सर्कुलेशन होता रहता है, ये बात है। सो दिस इज सिस्टेमिक। अब पल्मोनरी में क्या देखोगे, हर्ट टू लंग्स, यहाँ से लंग्स हो गया और लंग्स से वापस हर्ट में आएगा, तो ये पल्मोनरी का पाथ हो गया। तो सिस्टेमिक हो गया और पल्मोनरी हो गया, तो आप देखोगे कि ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हर्ट, ब्लड का जो मूवमेंट है हर्ट से दो बार है। ठीक है, एक बार ऑक्सीजनेटेड वाला और सेकेंड टाइम में डीऑक्सीजनेटेड। अब आप इसको डबल सर्कुलेशन बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, दिस इज डबल सर्कुलेशन, यही है डबल सर्कुलेशन। तो ह्यूमन हर्ट में होता यही है, ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू द हर्ट, तो ब्लड जो है हर्ट से दो बार पास करेगा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। तो लगता है कि तुमको बात समझ में आ गया कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है तो कहो, दोबारा इसको डिस्कस करें या फिर ठीक है बताइए, स्पीक आउट। ठीक है सर, समझ गए कि फिर डबल सर्कुलेशन अब तुम्हारे एग्जाम में आएगा ना, तो एनसीईआरटी में वो पल्मरी या सिस्टेमिक वो सब वर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई टेंथ में वो सब पूछता भी नहीं, आपको लिखना भी नहीं, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो गलत भी नहीं है ना, समझ गए? Yes. तो यही चीज होता है, तो डबल सर्कुलेशन भी आप समझ गए।
अब इसके बाद जब बारी आती है उन ब्लड वेसल्स की, जिसके अंदर मूवमेंट होता है। सिस्टेमिक वाला तुम समझ गए, भूलना नहीं है। सिस्टेमिक में क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द राइट एट्रियम, मींस बॉडी टू हार्ट एंड हार्ट टू बॉडी। अगर ज्यादा इसको इस तरीके से लिखना चाहो तो मैं लिख देता हूँ, तुमको तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। अब बात करो, फिर से देख लो, इस सिस्टेमिक था ना, तो सिस्टेमिक में मूवमेंट कैसे कैसे हुआ। इसमें मूवमेंट है ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, अगर यहाँ से शुरू करो ना लेफ्ट वेंट्रिकल से, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं, आसान हो जाएगा समझना। फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम कहां से, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, टू ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है, पूरे बॉडी पार्ट्स, ठीक है। फिर उसके बाद पूरे बॉडी पार्ट से आना है, कहाँ कहाँ आएगा, पूरे बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम, एंड एंड करके लिख लो, फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी पार्ट टू हार्ट, बॉडी पार्ट टू हार्ट। तो इसको बहुत सिंपल तरीके से याद रखना है, इसमें कुछ नहीं है, इसमें हुआ क्या है, बॉडी से लेके हार्ट तक और हार्ट से लेके वापस बॉडी तक। हार्ट से जो बॉडी में जाएगा दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, और जो ब्लड से हार्ट में आएगा दैट ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड, एंड दिस इज सिस्टेमिक, ठीक है। बाकी एक पल्मोनरी है, पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होगा, फ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से शुरू करो, यहां से चलो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, ठीक है ना, ये राइट वेंट्रिकल से न जाएगा, फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स, ठीक है। एंड अब लंग्स से जो आएगा आफ्टर ऑक्सीजनेशन आएगा, एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड फ्लो ऑफ कर देते हैं ना, फ्लो ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से, फ्रॉम लंग्स टू लंग्स, कहां, लेफ्ट एट्रियम, मुझे लेफ्ट, यही है ना। सो यू कैन सी देयर इज मूवमेंट ऑफ ब्लड ट्वाइस थ्रू द हार्ट, दैट्स व्हाई इट इज डबल सर्कुलेशन। स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा डबल सर्कुलेशन से 10th लेवल पे कोई क्वेश्चन नहीं चलेगा, ठीक है। चल आगे देखे, ये वीडियो भी भेज दूंगा तुमको एडिट करके, है ना, कहीं पर कोई आवाज या कोई चीज होगा तो। अब देखते हैं द ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स। देखो ट्यूब्स एंड ब्लड वेसल्स में आपको पता है कि ब्लड फ्लो इन ब्लड वेसल्स, ठीक है, ये शुरू में बताया था आपको, ये बताया कि जो ब्लड होते हैं जो ब्लड वेसल में फ्लो करेंगे, ब्लड वेसल में एक आर्टरीज आता है, ब्लड वेसल में कौन कौन है जी, आपको पहले भी बताया, ब्लड वेसल के अंदर आता है आर्टरीज है,
उसके बाद कौन है, वेन्स है, और इन दोनों के कैपिलरी होते हैं, तो ब्लड वेसल है। तो आप ऐसे कुछ फीचर्स आपको ध्यान में रखना है, मैं थोड़ा एक कलर चेंज कर लूं। देखो इसमें तुमको ध्यान रखना है, आर्टरीज आर द वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो एक्चुअली जो आर्टरीज है इसका काम होता है कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। एक्सेप्ट, इसका एक्सेप्शन एक है जो कि ये काम नहीं करता, अभी अभी अपने देखा है, पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है ना, अभी अभी तो देखा है, तो इसका काम यही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करना। एक्सेप्शन है इसका पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैरी करेगा डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, अच्छा अब आगे देखो, सेंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर। देखिए व्हेन हार्ट गोज अंडर सिस्टोल, या हार्ट में जब सिस्टोल मूवमेंट होता है तो इट इज गोइंग टू पंप द ब्लड। अभी अभी आपने पढ़ा सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब होगा तो ब्लड का जो फ्लो होगा अंडर हाई प्रेशर होता है। ठीक है, तो इसके वॉल होंगे, आर्टरीज के वॉल वो थिक होते हैं, इलास्टिक होते हैं। ठीक है, वेन का देखो, वेन कलेक्ट ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेन एंड ब्रिंग बैक टू द हार्ट। तो वेन में जो ब्लड आएगा वो नॉर्मली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। एक्सेप्ट, यहाँ भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्ट है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ठीक है, अब इसमें प्रेशर उतना ज्यादा होता नहीं है तो फिर दे डू नॉट नीड थिक वॉल बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर। उसके बदले में क्या होगा कि दे आर हैविंग वॉल्स, सी दिस, इस डायग्राम देखो, दे आर हैविंग वॉल्स, इस तरह का वॉल्व आपको इस आर्टरी में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो दे आर हैविंग वॉल्स, वॉल्व रहने से फायदा यह है कि दैट इंश्योर दैट द ब्लड फ्लोस ओनली इन वन डायरेक्शन, ब्लड का मूवमेंट केवल एक ही डायरेक्शन में होता है। ठीक है, ये तो जनरल डिफरेंस हो गया, बाकी आप आगे क्लास में और भी डिटेल है इसका एनाटॉमी देखोगे तो बहुत फर्क है दोनों में, लेकिन पोजिशन भी देख लो, अगर पोजिशन वाइज देखोगे तो वेन जो होगा वो सुपरफिशियल होता है, सुपरफिशियल मतलब ज़्यादा डीप सीटेड बॉडी में नहीं होगा, वो ऊपर से ही थोड़ा सा देखने से दिख जाएगा, सो सुपरफिशियल। बट जो आर्टरीज होते हैं वो डीप सीटेड होते हैं, आर्टरीज है डीप सीटेड इन द बॉडी, डीप इन बॉडी होता है। ठीक है, तो आर्टरीज अंदर के, बट एट सम प्लेसेस आर्टरीज आर सुपरफिशियल, जैसे आप कुछ कुछ जगह पे, जैसे आप कलाई के पास जहाँ आप पल्स रेट देखते हो, आर्टरी जो है वो थोड़ा सतह पर है, तो उसका एक जर्की मूवमेंट आप देखिए, जब कभी आप पल्स चेक करो यू कैन फील द जर्की मूवमेंट, वहाँ जर्की मूवमेंट आता रहता है ना, दैट जर्किंग मूवमेंट इज ड्यू टू सिस्टोल एंड डायस्टोल मूवमेंट ऑफ द हार्ट, तो वो फील होगा। तो उस सब जगह पे देखोगे, उन सब जगहों पे तो आर्टरीज थोड़ा सरफेस पे है, अदरवाइज आर्टरीज आर डीप सीटेड। अब एक चीज और तुमको हम बताते हैं, देखो आर्टरी का जो वॉल देख रहे हो, इसका वॉल देखो आर्टरीज का, और वेन का वॉल देखो, आर्टरीज का वॉल थिक है, जिसका वॉल थिक होगा अंदर में जो स्पेस दिख रहा है, दिस स्पेस, इस स्पेस को ल्यूमेन कहते हैं, एल फॉर ल्यूमेन। ठीक है, तो आर्टरीज का ल्यूमेन छोटा और वेन का जो ल्यूमेन होगा वो थोड़ा वाइट होता है। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तभी से ये क्वेश्चन चला आ रहा और आगे भी आएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस करने के लिए आता है, टीचर देते हैं क्लास में और राइट एटलीस्ट टू और थ्री डिफरेंसेस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन, तो आपको ऐसे दिखाना है। अब देखो आगे एक चीज़ और देखो, यहाँ देखो ये वेन है, वेन के जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो, दीज आर द वेन ब्रांचिंग,
वेन्यूज बोलते हैं इसको, और ये आर्टरी के ब्रांचिंग है जिसको आर्टेरियोल बोलेंगे, दे कंबाइन टुगेदर, वो आपस में जुड़ के जुड़ गया ताकि एक क्लोज्ड सिस्टम बना सके, मेकिंग द सिस्टम क्लोज्ड। अब देखो इस क्लोज सिस्टम में जिसमें आपका हार्ट भी इंक्लूड है, कहीं भी कोई भी पंक्चर नहीं होना चाहिए। अगर कहीं कोई लीकेज है, कोई पंक्चर है, तो दैट विल रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ प्रेशर, प्रेशर काफी लो हो जाएगा ड्यू टू लीकेज इन द सिस्टम। अगर प्रेशर लो हो गया तो ब्लड का जो मूवमेंट होना चाहिए जिस प्रेशर के साथ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो दैट आर पैक्ड विदाउट एनी काइंड ऑफ लीकेज, इसको याद रखिएगा, लीकेज इसमें नहीं होना चाहिए, अदरवाइज प्रेशर विल गो डाउन, ठीक है, फिर ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। बात समझ में आ गया, द सेम थिंग इज रिटन, देखो रिचिंग an organ tissue, the artery divide into a smaller and smaller vessels to bring the blood in contact with all the individuals. The smallest vessels have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. Exchange of material between the blood and the surrounding cells takes place across this thin wall, and the capillaries then join together to form veins that convey the blood away from the organ or tissue. ठीक है, अब एक चीज और देखो, यही मैं बता रहा हूँ। What happens if the system of tubes develop a leak? अगर मान लो कि इस सिस्टम में कोई लीकेज आ गया तो क्या होगा? देखिए, think about situation when we are injured, कभी चोट लग गया, start bleeding, naturally the loss of blood from the system has to be minimized. उसके अलावा क्या होता है कि इन एडिशन लीकेज वुड लीड टू लॉस ऑफ प्रेशर व्हिच वुड रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। उस केस में क्या होगा, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्लॉट, जहां इंजरी हुआ, मान लो कि इस जगह पे इंजरी हुआ, यहाँ कट फट गया, ठीक है, तो कट फट गया तो अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, to avoid this the blood has platelet cells which circulate around the body and plug these leaks. इसके अंदर जो platelet है ये सब यहाँ आके इकट्ठा होकर के clot यानी थक्का जम जाएगा और फिर blood flow होना बंद हो जाएगा। इसका mechanism है, ये 11th में पढ़ाया जाता है कि ये कैसे होता है, ठीक है, लेकिन at the moment आप ये समझो कि आपका जो clot formation हो रहा है, that clot formation is due to प्लेटलेट्स, ये प्लेटलेट्स की वजह से होता है और इसकी वजह से ब्लड लॉस भी होता है, ठीक है। तो बस आज के क्लास में इतना ही, अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे, प्रोबेबली लिम्फ बच गया है और इसके बाद और रह जाएगा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, वो देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, अगले क्लास